हेलो दोस्तों मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप या साझेदारी अब देखो ये जो चैप्टर है ये रेशियो एंड प्रपोशन का ही एक पार्ट है तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो हम रेशियो एंड प्रपोशन में यूज़ करते थे ठीक है तो इसके हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है नीना तथा मीना ने क्रमशः तीस तथा पैंतालीस के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरम्भ किया तो पहला है नीना का और दूसरा है मीना का ठीक है तो नीना ने कितने लगाई इस पर तीस हज़ार रुपये तीन के आगे चार जीरो और इसने लगाई पैंतालीस हज़ार ठीक है तो हमने पैंतालीस हज़ार यहाँ पर लिख दिया आगे दिया है दो वर्ष बाद डेढ़ लाख रुपये के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा ये हमें निकालना है तो इसमें हमें टाइम दिया है टाइम दिया है दो वर्ष बाद तो इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो टाइम होगा उसकी यूनिट बराबर होगी जैसे अगर टाइम वर्ष में दिया है तो हम दोनों का वर्ष में निकालेंगे और जैसे इसी प्रकार से जैसे दिन में निकालना है तो सबका दिन में होगा महीने में निकालना है तो दोनों का महीने में होगा ऐसे नहीं होगा कि एक का हमने वर्ष में निकाला और एक का महीने में निकाला तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो देखो इसमें साल में दिया है तो हम साल में ही दोनों का निकालेंगे जैसे कि यहाँ पे दो वर्ष बाद दिया है तो इसका मतलब दो साल तक क्योंकि स्टार्ट दोनों ने साथ में किया है तो ये भी दो साल का होगा तो इसको मैं दो से गुणा करूंगा और ये भी दो साल का होगा तो इसको भी मैं दो से गुणा करूंगा अब हमें क्या करना होगा इनका अनुपात निकालना होगा अब देखो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो रहा है ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगे फिर पंद्रह से काट दो पंद्रह दूनी तीस और पंद्रह दिए पैंतालीस तो ये आ रहा है दो अनुपात तीन ठीक दो अनुपात तीन का मतलब अगर नीना को दो रुपये मिले होंगे तो मीना को तीन रुपये मिले होंगे ठीक है और इसमें दिया है कि डेढ़ लाख रुपये का लाभ हो रहा है लाभ हमें दिया है डेढ़ लाख का हो रहा है ठीक है हमें किसका निकालना है मीना का निकालना है तो मीना का कौन सा है ये बाद वाला है यानी इसको गुणा करेंगे तीन से क्योंकि मीना का तीन है और टोटल कितना है तीन और दो पाँच तो जो टोटल होगा वो किस में आएगा बटे में आ जाएगा अब इससे इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ पे होगा पाँच पंद्रह तीन के आगे चार जीरो इसका गुणा करेंगे तो तीन तीय नौ तो कितना हो जाएगा ये नब्बे हजार हमारा आंसर होगा यानी कौन सा हमारा आंसर होगा ई वाला हमारा आंसर होगा ठीक है तो इसी प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम होगा ये अगर साल में दिया है तो दोनों का साल में करेंगे मंथ में दिया है तो दोनों का मंथ में करेंगे ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया तो इसमें मिथिला इसका दिया है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एम कर दूंगा तो इसने कितना दिया अड़तालीस हज़ार रुपये निवेश किया तो मैंने अड़तालीस हज़ार लिख दिया आगे दिया है सात माह बाद छप्पन हज़ार की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझीदार हो गई तो बाद में विद्या का दिया है सात महीने बाद का तो कितना है इसका छप्पन हज़ार ठीक है तो छप्पन के आगे तीन जीरो मैंने लगा दिए आगे दिया है वर्षांत में कुल अट्ठावन सौ पिचासी के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा ये हमें निकालना है तो इसमें दिया है कि देखो वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में ठीक है तो वर्ष के अंत में मतलब एक साल में टोटल बारह महीने होते हैं तो जो मिथिलेश होगा उसका तो टोटल तो तो बारह महीने तक होगा क्योंकि उसने क्या किया व्यापार आरंभ करा तो स्टार्टिंग से ही ये जुड़ा था तो इसका टोटल बारह महीने तक होगा तो मैं इसको बारह से गुणा कर देता हूँ और जो विद्या है वो सात महीने बाद इसमें जुड़ी सात महीने बाद का मतलब टोटल बारह महीने है तो सात महीने बाद का मतलब इसमें से बारह में से सात महीने इस करूँगा तो यानी टोटल कितने महीने तक जुड़ी रही वो पाँच महीने तक जुड़ी रही तो मैं इसको पाँच से गुणा कर दूँगा अब क्या कर दो इनका अनुपात निकाल दो तो तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल कर दिए फिर चार से इसको काट दो तो यहाँ पे होगा तीन यहाँ पे होगा चौदह फिर इसको दो से काट दो यहाँ पे होगा सात यहाँ पे होगा चौबीस दूनी अड़तालीस इनका गुणा करेंगे तो तीन सौ को बारह तीन दूनी छः और एक सात अनुपात सात पंजे पैंतीस तो ये हो जाएगा बहत्तर अनुपात पैंतीस अब टोटल गुलाभ हमें दिया है कितना है अट्ठावन सौ पचासी इन हमें किसका निकालना है विद्या का निकालना है विद्या का कौन सा है ये बाद वाला यानी इसको पैंतीस से गुणा करूँगा और बटे में टोटल कितना है पाँच और दो तो, सात और सात और तीन दस अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1925 हमारा आंसर आ जाएगा यानी कौन सा हमारा आंसर होगा सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है पाँच अनुपात छः के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार आरंभ करते हैं ठीक है स्टार्टिंग में दिया है कि पाँच अनुपात छः यानी ए अगर पाँच रुपये लगाता है तो बी इसमें छः रुपये लगाएगा ठीक है व्यापार आरंभ करते हैं आठ मास बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है यानी ए कितने महीने तक जुड़ा रहा आठ महीने तक जुड़ा रहा तो ए का मैं यहाँ पर गुणा आठ कर दूंगा ठीक है क्योंकि वो टोटल आठ महीने तक जुड़ा रहा आगे दिया है यदि वर्ष के अंत में लाभांश पाँच अनुपात नौ के अनुपात में हो तो वर्ष के अंत का मतलब एक वर्ष की बात कर रहा है वो तो कितने का लाभ हो रहा है उनको पाँच अनुपात नौ का लाभ हो रहा है तो बी ने अपनी पूंजी में कितने समय के लिए निवेश किया ये हमें निकालना है तो ये हमें इनका अनुपात दिया है तो हमें इनका भी अनुपात निकालना होगा तो ए आठ महीने तक जुड़ा रहा है बी का हमें नहीं पता कितने महीने तक जुड़ा रहा तो मान लीजिए वो एक्स महीने तक जुड़ा रहा तो इसको मैं किससे गुणा कर दूंगा एक्स से गुणा कर दूंगा, दूंगा। यानी वर्ष के अंत में अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगा पाँच अनुपात नौ के बराबर आएगा अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे होगा पाँच गुणा आठ बटे सिक्स एक्स बराबर हो जाएगा पाँच बटे नौ तो पाँच से पाँच कैंसिल फिर इसको दो से काट दो तो यहाँ पे होगा चार यहाँ पे होगा तीन फिर तीन से इसको काट दो यहाँ पे होगा तीन या नौ तो x बराबर इनका गुणा करेंगे तो कितना होगा तीन सौ को बारह यानी बारह महीने तक बी अपनी पूंजी इसमें लगाएगा इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा डी वाला हमारा आंसर होगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है हेमंत ने पचास हज़ार रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया तो स्टार्टिंग में हेमंत का दिया है हमें पचास हज़ार तो पाँच के आगे चार जीरो लगा दो आरंभ किया आठ महीने बाद सत्तर हज़ार रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया तो संदीप का हमें दिया है सत्तर हज़ार रुपये टोटल इसने लगाए तीन वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा ये हमें निकालना है देखो टोटल कितने का निकालना है हमें तीन साल बाद का तो अगर मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो तीन गुणा एक साल में बारह महीने होते हैं तो तीन साल में कितने होंगे भारत या छत्तीस तो जो हेमंत होगा उसके तो टोटल छत्तीस महीने तक होगा क्योंकि उसने व्यापार स्टार्ट करा और बीच में कहीं पे भी नहीं छोड़ा ठीक है तो ये हमने छत्तीस से इसको गुणा कर दिया बट जो संदीप का होगा वो कब का है वो आठ महीने बाद इसके साथ जुड़ा तो छत्तीस में से क्या करूँगा मैं आठ महीने माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 28 होगा तो मैं इसको 28 से गुणा कर दूंगा अब मुझे इनका अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो तो चार जीरो से चार जीरो कैंसिल हो जाएंगे फिर इसको चार से काट दो तो यहाँ पे होगा सात यहाँ पे होगा नौ तो यहाँ पे होगा नौ पंचायत पैंतालीस अनुपात सात सतह उनचास यानी पैंतालीस अनुपात उनचास हमारा आंसर होगा इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है प्रकाश सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः ग्यारह लाख रुपये सोलह लाख रुपये तथा आठ दशमलव दो पाँच रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तो ये पहला है प्रकाश का फिर ये वाला है सुनील का और ये वाला है अनिल का आगे दिया है तीन वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ उन्नीस दशमलव पाँच लाख रुपए था तो तीन वर्ष के अंत का मतलब ये भी तीन साल तक रहा होगा ये भी तीन साल तक और ये भी तीन साल तक तो सबसे पहले तो हम इनका अनुपात निकाल देंगे तो तीन, तीन 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 कैंसिल हो जाएंगे अब मैं इसको ग्यारह से काटूँगा तो ग्यारह कम ग्यारह ग्यारह कम ग्यारह ग्यारह पंच पचपन और यहाँ पर होगा दशमलव ग्यारह सत्तर सतहत्तर और ग्यारह पंचे पचपन तो दशमलव हटाऊंगा मैं यहाँ से तो दशमलव के आगे दो नंबर हैं तो मैं इन सब को सौ से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेवेंटी फाइव अनुपात यहाँ पे हो जाएगा डेढ़ सौ अनुपात यहाँ पे हो जाएगा एक सौ अब इसको पच्चीस से काटूंगा तो पच्चीस दिया पिचहत्तर पच्चीस से का डेढ़ सौ और पच्चीस सौ सौ तो चार अनुपात छः अनुपात तीन के अनुपात में है ये ठीक है तो इसमें दिया है कि उन्होंने टोटल लाभ कितना कमाया उन्नीस दशमलव पाँच लाख रुपये हमें किसका निकालना है इस लाभ में अनिल के भाग का देखो अनिल का कौन सा है ये वाला है तो अनिल का है तीन तो गुणा कर देंगे तीन से और बटे में टोटल कितना है छः और चार दस और तीन तेरह तो बटे में टोटल तेरह हो जाएगा इसका पचास परसेंट निकालना है पचास परसेंट का मतलब एक बटे दो तो इसका एक बटे दो हम निकाल देंगे तो सबसे पहले तो मैं इसको तेरह से काटूंगा तो यहाँ पर होगा तेरह कम तेरह और तेरह पंचे पैंसठ फिर इनका गुणा करूँगा तो पंद्रह थी पैंतालीस यानी चार दशमलव पाँच बटे दो होगा अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे दो धुनी चार दशमलव दो धुनी चार और पाँच धुनी दस तो दो दशमलव दो पाँच लाख हमारा आंसर होगा यानी कौन सा हमारा आंसर होगा बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है गौतम ने साठ हजार रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तो गौतम का हमें दिया है साठ हजार ठीक है आगे दिया है आठ माह बाद पैंतीस हज़ार रुपये पैंतीस हज़ार रुपये निवेश करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया तो ये जतिन का दिया है आठ महीने के बाद का दिया है ठीक है तो दो वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बढ़ेगा ये हमें निकालना है तो जो गौतम था वो तो स्टार्टिंग से रहा यानी दो साल में कितने महीने होंगे चौबीस तो इसको तो मैं चौबीस से गुणा करूँगा और ये आठ महीने बाद जुड़ता है तो इसमें से आठ महीने कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा सोलह तो इसका सोलह से गुणा करेंगे तो अनुपात निकालना है तो सबसे पहले तीन जीरो से ये तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगे फिर इसको आठ से काट दो आठती चौबीस और आठ दुनी सोलह फिर इसको दो से काट दो तो यहाँ पे होगा तीस फिर इसको पाँच से काटेंगे तो पाँच छतः तीस और पाँच सतह पैंतीस अब इनका गुणा करेंगे तो छः तिया होगा अट्ठारह अनुपात यहाँ पे सात है तो सात ही रहेगा यानी अट्ठारह अनुपात सात हमारा आंसर होगा इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है पचास हज़ार रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया तो स्टार्टिंग में दिया है कि पचास हज़ार रुपये ये किसका है सरिता का है ठीक है आगे दिया है छः माह बाद अस्सी हज़ार रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई तो नीता का दिया है हमें कितना है अस्सी हज़ार तो ये नीता का हमने कर दिया एक वर्ष के अंत में अट्ठारह हज़ार रुपये के लाभ में से सरिता का भाग कितना होगा तो एक साल का हमें दिया है एक साल में बारह महीने होते हैं तो मैं इसको तो बारह से गुणा कर दूँगा और जो नीता है वो छः माह बाद जुड़ी तो 12 में से छः माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 तो इसको तो मैं छः सौ गुणा कर दूंगा ठीक है इसको मैंने 12 से गुणा करा इसको 6 से गुणा करूंगा तो इनका अनुपात निकालना होगा तो चार जीरो से चार जीरो कैंसिल छः से इसको काट दो छः धुनी बारह फिर दो से इसको काट दो यहाँ पे होगा चार तो ये हो जाएगा पाँच अनुपात चार तो टोटल लाभ हो रहा है उनको अट्ठारह का और सरिता का निकालना है तो सरिता का पाँच वाला है तो गुणा पाँच बटे में टोटल कितना है पाँच चरे नौ तो इसको गुणा कर दो यहाँ पे होगा ये दो हज़ार फिर ये होगा पाँच दिन दस यानी दस हज़ार हमारा आंसर होगा इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा डी वाला हमारा आंसर होगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है तीन मित्रों पी क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरम्भ किया तथा क्रमशः पैंतालीस सत्तर तथा नब्बे हज़ार का निवेश किया तो एक ने किया पैंतालीस हज़ार एक ने किया सत्तर हज़ार एक दो तो तीन चार और एक ने किया नब्बे हज़ार ठीक तो ये पी का है ये क्यों का है ये आर का है आगे दिया है दो वर्ष के अंत में एक लाख चौंसठ हज़ार रुपये के कुल लाभ में से क्यों का भाग कितना होगा तो दो वर्ष का सबका होगा तो या तो इसको दो से गुणा कर दो या नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे क्योंकि हमें निकालना तो अनुपात ही है तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा तीन जीरो तीन जीरो तीन जीरो कैंसिल कर दिया फिर इसको पाँच से काटेंगे तो पाँच नंबर पैंतालीस चौदह पंजे सत्तर और अट्ठारह पंजे नब्बे तो ये हो जाएगा नौ अनुपात चौदह अनुपात अट्ठारह तो टोटल लाभ हमें दिया है एक चौसठ ज़ीरो जीरो, जीरो इंटू किसका निकालना है क्यू का भाग निकालना है तो क्यू का है चौदह और टोटल कितना है अट्ठारह और नौ होगा ट्वेंटी सेवन थर्टी सेवन फोर यानी फोर्टी वन हो जाएगा ये टोटल तो इससे इसको काटेंगे तो चार बार कटेगा तो यहाँ पे होगा दो तीन जीरो अब चुच्चों को कितना होगा छप्पन यानी छप्पन सौ हमारा आंसर होगा इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है निनाद विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है ठीक है स्टार्टिंग में कौन करता है निनाद करता है तो इसको मैं एन इसको बी और इसको एम से डिनोट करूंगा छः वर्ष बाद विकास उससे दोगुने धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है तो मान लीजिए जो निनाद है उसने सौ रुपये लगाए तो इसका दोगुना का मतलब ये कितना लगाएगा दो सौ रुपये लगाएगा ये किसका है विकास का है ठीक है हमने ये कर दिया आगे दिया है इसके आठ महीने बाद मानव विकास से तिगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है तो जो मानव है वो विकास से तीन गुना यानी विकास का है 200 तो इसका तीन गुना है यानी गुणा कर देंगे हम तीन से व्यापार में सम्मिलित हो गया आगे दिया है वर्ष के अंत में पैंतालीस हज़ार के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना होगा अब देखो जो निना था उसने तो व्यापार आरंभ करा इसका मतलब ये तो टोटल एक साल तक होगा तो एक साल में बारह महीने होते हैं तो इसको तो मैं बारह से गुणा कर दूंगा उसके बाद छः महीने बाद इसमें विकास जुड़ जाता है तो छः महीने बाद का मतलब बारह में से छः कम करेंगे तो ये छः महीने तक रहेगा इसी प्रकार से जो मानव है वो आठ महीने बाद जुड़ता है तो आठ महीने बाद का मतलब ये कितने महीने तक रहेगा ये केवल चार महीने तक रहेगा तो इनका अनुपात निकालना है तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो अब देखो दो जीरो दो जीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे फिर दो से काट दो यहाँ पे होगा छः यहाँ पर ये दो कैंसिल हो जाएगा फिर तीन से काट दो तो यहाँ पे होगा दो यहाँ पे भी होगा दो फिर दो से काट दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये दो तो ये होगा एक अनुपात एक अनुपात दो हमें किसका निकालना है टोटल है हमारे पास पैसे है पैंतालीस हज़ार इसमें से हमें मानव का निकालना है तो मानव का है ये लास्ट वाला तो दो बटे में टोटल कितने हैं दो तीन चार तो बटे में चार हो जाएगा अब इसको चार से काटूंगा तो कितना होगा चारे कम चार चार कम चार चार दूनी आठ और चार पंजे बीस तो दो से गुणा कर देंगे तो जीरो पाँच दूनी दस की जीरो दो दूनी चार और एक पाँच दो कम दो और दुई कम दो, दो। यानी बाईस हजार पाँच सौ हमारा आंसर होगा इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा ई वाला हमारा आंसर होगा ठीक अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है सीना मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः तिरसठ हजार छप्पन हजार तथा चौरासी हजार का निवेश करते हैं तो इसमें सीना मीना और रीना का दिया है एक है तिरसठ आगे तीन जीरो छप्पन के आगे तीन जीरो और चौरासी के आगे तीन जीरो आगे दिया है वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है यदि इस लाभ में रीना का भाग चौवन हज़ार हो तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा ये हमें निकालना है तो सबसे पहले हम इनका अनुपात निकाल देंगे तो तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगे अब इसको मैं सात से काट सकता हूँ तो सात नमे तिरसठ आठ सतः छप्पन और सतः कम सात सात उन्नी चौदह तो ये हो जाएगा नौ अनुपात आठ अनुपात बारह और इसमें हमें रीना का लाभ दिया है कितना है चौवन हज़ार तो रीना का क्या है बारह है यानी बारह की वैल्यू चौवन के बराबर हो जाएगी तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी चौवन ट्रिपल ज़ीरो बट बारह मुझे किसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे कुल लाभ चाहिए तो टोटल है बारह आठ बीस और नौ उनतीस तो मैं इसको ट्वेंटी नाइन से गुणा कर दूंगा ठीक तो कितना हो जाएगा ये अब बारह से इसको काटूंगा तो यहाँ पे होगा बारह चक्को अड़तालीस और बारह पंजे साठ यानी पैंतालीस सौ तो ये हो गया फिर उनतीस से गुणा करूँगा तो ये टोटल हो जाएगा एक लाख तीस हजार पाँच सौ के बराबर यानी कौन सा हमारा आंसर होगा ए वाला हमारा आंसर होगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है अमन ने चालीस हज़ार रुपये लगा एक व्यापार आरंभ किया तो अमन का हमें दिया है चालीस हज़ार छः माह बाद सामंत सामंत के लिए इसका यूज़ करूंगा तो सामंत लगाता है इसमें साठ हज़ार रुपये ठीक है उसके तीन माह बाद रचित इसमें कितने लगाता है पचास हज़ार रुपये लगाता है तो लगाकर साझेदार हो गया तो दो वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा ये हमें निकालना है तो दो साल यानी चौबीस महीने तो सबसे पहले ए तो इसको ए को तो चौबीस से गुणा करेंगे क्योंकि ए ने व्यापार आराम किया आगे दिया है छः माह बाद तो 24 में से 6 माइनस करेंगे तो होगा 18। तो जो सामंत होगा वो इसमें 18 महीने तक जुड़ा होगा तो मैं इसको 18 से गुणा कर दूंगा और आगे दिया है उसके तीन माह बाद उसके तीन माह बाद यानी किसके सामंत के तीन माह बाद तो टोटल कितने महीने का गैप हो गया 9 महीने का तो 24 में से 9 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा ये पंद्रह तो जो रचित है वो पंद्रह महीने तक रहा होगा तो इसको मैं पंद्रह से गुणा कर दूंगा अब इनका अनुपात निकालना है तो चार जीरो से चार जीरो से चार जीरो कैंसिल हो जाएंगे फिर इसको तीन से काट दो तो पाँच थे पंद्रह छः थे अट्ठारह और आठ थी, थी चौबीस तो ये कितना हो जाएगा आठ चक्कू बत्तीस अनुपात छः छक्का छत्तीस अनुपात पाँच पंजे पच्चीस तो इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा डी वाला हमारा आंसर होगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है तीन साझेदारों ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में पचास हज़ार रुपये का निवेश किया ए बी सी का हमें दिया है कितना है टोटल पचास हज़ार रुपये ठीक है टोटल हमें दिया है पचास हज़ार आगे दिया है यदि ए ने बी से चार हज़ार रुपये अधिक लगाए हों मान लीजिए बी ने एक्स लगाए तो ए ने इससे चार हज़ार अधिक का मतलब एक्स प्लस चार हज़ार लगाए होंगे ठीक है आगे दिया है तथा बी ने सी से पाँच हज़ार रुपये अधिक लगाए हों जो बी है उसने सी से तो बी ने एक्स लगाए हैं तो सी ने कितने लगाए होंगे इसने लगाए होंगे एक्स माइनस पाँच हज़ार तो ये हमने निकाल दिया आगे दिया है तो वर्ष के अंत में पैंतीस हज़ार रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा ये हमें निकालना है तो टोटल है हमारे पास पचास हज़ार यानी इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये पचास हज़ार के बराबर आएगा तो सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो तीन एक्स माइनस एक हज़ार बराबर हो जाएगा पचास हज़ार के ठीक है तो तीन एक्स बराबर होगा इसको इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो ये होगा इक्यावन हज़ार ठीक तो एक्स की वैल्यू निकाल दो कितना होगा तीन कम तीन और साती इक्कीस यानी ये सत्रह हज़ार के बराबर हो जाएगा अब एक्स की वैल्यू मैंने निकाल दी तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी सत्रह प्लस चार हज़ार तो ये हो जाएगा इक्कीस हज़ार इसी प्रकार से बी का होगा सत्रह हज़ार क्योंकि एक्सी है तो ये सत्रह हज़ार हो जाएगा और सी का सत्रह हज़ार में से पाँच हज़ार माइनस कर दो तो ये होगा बारह हज़ार ठीक तो इनका अनुपात निकाल दो तो तीन जीरो से तीन ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे तो ये होगा इक्कीस अनुपात सत्रह अनुपात बारह ठीक तो ये ए बी सी का अनुपात निकाल दिया अब टोटल लाभ है हमारे पास कितना है पैंतीस हज़ार का इसमें से मुझे किसका निकालना है ए का निकालना है तो ए का है इक्कीस तो मैं इसको इक्कीस से गुणा कर दूंगा बटे में टोटल कितना है सात आठ नौ एक दस की जीरो दो तीन चार और एक पाँच तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पाँच से काट दो पाँच से तो पैंतीस सात सौ होगा तो सात एक कम सात सात दो चौदह तो ये हो जाएगा चौदह हज़ार सात सौ यानी कौन सा हमारा आंसर होगा डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है ए ने पैंतालीस हज़ार की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तो ए का हमें दिया है पैंतालीस हज़ार कुछ समय बाद बी भी चौवन हज़ार रुपये इस व्यापार में साझेदार हो गया तो बी का दिया है चौवन हज़ार रुपये आगे दिया है यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ दो अनुपात ए के अनुपात में बंट गया हो तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बनाइए हमें निकालना है तो वर्ष के अंतम का मतलब एक वर्ष के लिए रहेंगे तो एक वर्ष में बारह महीने होते हैं तो मैं इसको बारह से गुणा कर दूंगा अब मान लीजिए जो बी है वो एक्स महीने बाद इसमें साझेदार बना ठीक है तो एक्स महीने बाद यानी मैं क्या कर दूंगा बारह में से एक्स को माइनस कर दूंगा तो अगर मैं बारह में से एक्स माइनस कर दूंगा तो बी के टोटल महीने निकल आएंगे ठीक और इनका अनुपात दिया है किसके अनुपात में होता है ये दो अनुपात एक के तो इनका भी अगर बीच में अनुपात का साइन लगाऊंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा तो अब मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पैंतालीस ज़ीरो 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 गुणा बारह बटा चौवन ट्रिपल ज़ीरो बारह माइनस एक्स बराबर होगा दो बटा एक तो तीन जीरो से तीन ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे दो से इसको काट दो यहाँ पे होगा छः यहाँ पे होगा छः नमह चौवन और नौ पंजे पैंतालीस तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे होगा पाँच बराबर होगा बारह माइनस एक्स फिर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो बारह में से पांच माइनस करूंगा तो यहां पर होगा सात सात माइनस का होगा एक्स बी माइनस का है तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यानी बराबर होगा इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा पांच अनुपात छह अनुपात आठ के अनुपात में पूंजी लगाई आगे दिया है एक वर्ष बाद सी ने अपनी पचास प्रतिशत पूंजी वापस ले ली ठीक है तथा ए ने अपनी पूंजी की 60 प्रतिशत राशि और लगा दी दो वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा ये हमें निकालना है अब देखो स्टार्टिंग में हमें ए बी सी की पूंजी का अनुपात दिया है पाँच छ और आठ ठीक है इसमें दिया है एक वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी के पचास प्रतिशत पूंजी वापस ले ली तो एक वर्ष बाद लिया यानी एक वर्ष तक तो जितना रुपये था उतना ही लगाए होंगे जैसे आठ है तो आठ ही लगाए होंगे एक साल तक जो दूसरा साल है क्योंकि टोटल दो साल तक निकालना है तो एक साल तक आठ रुपये लगाए अब दूसरे साल उसने पचास प्रतिशत पूंजी वापस ले ली यानी आठ का पचास परसेंट कितना होगा पचास प्रतिशत मतलब बटे में सौ तो एक पटे दो तो आठ का पचास परसेंट होगा चार रुपये तो जो दूसरा साल होगा उसमें उसने चार रुपये लगाए होंगे और ये भी कितने साल तक होगा एक साल तक तो एक साल तक आठ रुपये एक साल तक चार रुपये तो टोटल दो साल हो गए ठीक है तो ये हमने दो साल का निकाल दिया सी का आगे दिया है तथा ए ने अपनी पूंजी की साठ प्रतिशत राशि और लगा दी ए का कितना है पाँच है तो पहले साल तो इसने पाँच रुपये लगाए फिर दूसरे साल इसका साठ परसेंट और लगा दिया तो साठ परसेंट और लगाने का मतलब सौ में ऐड करेंगे तो इसका मैं सीधे एक सौ साठ प्रतिशत निकालूंगा तो इससे ये कैंसिल पाँच से से काट दो यहाँ पे होगा दो यहाँ पे होगा आठ यानी दूसरे साल इसने आठ रुपये लगाए तो ये भी एक साल के लिए होगा तो ये भी हमने दो साल का निकाल दिया और बी का इसमें कुछ नहीं दिया है यानी बी ने छः रुपये ही लगाए दो साल तक तो इसको मैं दो से गुणा कर दूंगा अब मुझे इसका अनुपात निकालने हैं तो बीच में अनुपात का साइन लगा दो तो ये कितना हो जाएगा आठ और पाँच तेरह अनुपात छः दूनी बारह अनुपात आठ और चार बारह तो ये बारह हो जाएगा ठीक है यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा तेरह अनुपात बारह अनुपात बारह इसका मतलब ई वाला हमारा आंसर होगा ठीक तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया ए बी और सी का हमें दिया है कि व्यापार आरंभ किया आगे दिया है प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई तो मान लीजिए ए ने एक्स रुपये लगाए या सौ रुपये मान सकते हैं सौ रुपये लगाए छः माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई इससे दोगुनी यानी सौ का दोगुना हो जाएगा दो सौ तो छः माह बाद ठीक है तो ये टाइम का बाद में देख लेंगे आगे दिया है तथा आठ माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई ए का है सौ तो इसका तीन गुना हो जाएगा तीन सौ वर्ष के अंत में यानी एक साल की बात कर रहा है तो इसने तो क्योंकि ए ने स्टार्ट किया तो ए का टोटल एक साल तक होगा ठीक या माह में दिया है तो एक साल यानी बारह महीने होंगे फिर छः माह बाद बी ने लगाया तो बी का बारह में से छः महीने करेंगे तो बी का छः महीने तक होगा और सी का क्योंकि सी ने आठ माह बाद लगाया तो सी का हो जाएगा चार महीने तक ठीक तो सबसे पहले इनका अनुपात निकाल दो तो सौ से इसको काट दो यहाँ पे होगा दो यहाँ पे होगा तीन फिर तीन से काट दो तीन दुनी छः तीन चक्कू बारह फिर चार से काट दो तो ये कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा यानी टोटल कितने हो जाएंगे ये एक अनुपात एक अनुपात एक तो टोटल कितने हैं वर्ष के अंत में सत्ताईस हज़ार के लाभ में से टोटल है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड इसके लाभ में से सी का लाभ कितना होगा सी का है एक तो टोटल कितने हैं टोटल हैं तीन तो तीन से काट दो यहाँ पर हो जाएगा नौ हज़ार यानी कौन सा हमारा आंसर होगा बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए बाय बाय